नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार्वर। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी ओरिजिनल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 17। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखते हैं रहस्य के पार। और अब लेते हैं लास्ट एपिसोड का रिकैप। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि क्लाउस ने अपनी बहन को माफ कर दिया था और जाने दिया था, और हम देखते हैं अलाइजा और क्लाउस मिलके वापस फ्रेंच क्वार्टर में आ चुके हैं रूल करने के लिए, और यहाँ पर डवीना वापस जिंदा हो चुकी है। और देखते हैं अब इस एपिसोड में। पहले सीन में हम देखते हैं टाउन को, जहां पर हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। ह्यूमंस के ऊपर वैम्पायर अटैक कर रहे हैं और वैम्पायर्स पे विचेस, और पूरा शहर में तबाही मची हुई है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं जंगलों के अंदर, आज फुलमून का दिन था, जहां पर हेली वो सॉल्यूशन डाल देती है उनके खाने में, और हम देखते हैं जैसे वो ह्यूमंस बनते हैं सारे वेयरवुल्फ्स, उनको खाना खिला देती है। और हम देखते हैं फुल मून जाने के बाद भी वो ह्यूमन बने रहते हैं, जिससे उनका कर्स टूट चुका था। और ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। वही हम अगले सीन में देखते हैं क्लाउस को, जो बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा था उसकी बहन की वजह से, माफ करने के बाद भी। बट हम देखते हैं वो पेंटिंग करता है और अपने गिल्ट को भुलाने की कोशिश कर रहा था, और पेंट करते समय हम देखते हैं उसके पास वो रिजरेक्टेड विच जेनेवीव आ चुकी थी, और हम देखते हैं जेनेवीव के साथ कुछ ज्यादा ही रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। तभी वहां हम देखते हैं अलाइजा जाता है और बोलता है उससे कि तुम्हारे कपड़े बाहर हैं, प्लीज तुम जा सकती हो वहां से। और तभी हम देखते हैं उसे जेनेवीव को वहां से भेज देता है, और अपने भाई से बोलते तुम्हें पता है ना यही वो लड़की है जिसकी वजह से हमारी बहन आज यहाँ पर नहीं है, उसने उसको टॉर्चर भी किया है। और तभी क्लाउस बोलता है टॉर्चर नहीं किया, उसकी सच्चाई सामने लाई है। और ये कहने के बाद अलाइजा को गुस्सा आता है और बोलते तुम्हें पता है मेरी बहन हमें छोड़ के जा चुकी है, 1 महीना हो चुका है और मुझे कितना बुरा लग रहा है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है वो उसकी मर्जी थी, हमने उसको फोर्स नहीं किया था। और तभी अलाइजा बोलता चल इन सब चीजों को छोड़, तुझे टाउन पे रूल करना था जो तेरा ड्रीम था, अब जाके वहां मीटिंग कर, नए रूल्स बना टाउन के लिए जो सब लोग फॉलो करेंगे। और ये कहने के बाद क्लाउस इंटरेस्टेड नहीं दिखता है। और ये सब देखने के बाद अलाइजा बोलता चलो तुम्हारे हिस्से का काम मैं ही करता हूं और मैं ही जाके सब कुछ हैंडल कर लूंगा, और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। बट हम देखते हैं क्लाउस सोचता है कि टाउन अब सही हो नहीं सकता है। अब फिर अलाइजा ने चर्च के अंदर सब लोगों को इकट्ठा कर दिया था, वैम्पायर्स को और विचेस को, और ह्यूमन के नाम पे फादर थे। तभी हम देखते हैं वो रूल्स बना रहे थे और बोलते हैं ये मार्शल के पुराने रूल्स हैं जो यहाँ पर फॉलो नहीं होते हैं, यहाँ पर कितना बड़ा क्योस मचा हुआ है सिटी का, हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और हमको ये लड़ाइयाँ कम करनी पड़ेंगी, और जो प्रॉब्लम करेगा वो शायद बाहर भी जा सकता है, और जिसको शायद रूल्स मंजूर नहीं है वो भी बाहर सकता है। अब फिर वही हम वेयरवुल्फ्स को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश थे ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद, और हम देखते हैं वहां पर फाइट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, और वहीं पर हम देखते हैं उनके लिए डिनर रेडी हो चुका था, साथ खाने लगते हैं। और तभी वहां पर ओली आ जाता है और बोलता है कि ये हम में से सबसे अलग है, जो हेली को पॉइंट आउट कर रहा था, और कहता है आधा टाइम ये ह्यूमंस के साथ रही है और कुछ टाइम वैम्पायर्स के साथ। और तभी हम देखते हैं कि जैक्सन उसे चुप कराता और बोलता है ज्यादा मत बोल, बट तभी हेली बोलती है बोलने तो वो क्या बोल रहा है। और तभी ओलिवर बताता है सिटी की पावर को डिवाइड किया जा रहा है वैम्पायर्स और विचेस के बीच में, और हमको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है कि हम कहां पर हैं। और ये कहने के बाद हेली बोलती है ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए, बट तब बोलता है हाँ मुझे सोर्सेस से पता चला ऐसा होने लग रहा है। और ये सुनने के बाद हेली को गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं वहां पर उनकी मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के अकाउंट लड़ने लग रहे थे एक दूसरे से, सब कोई हर कोई किसी पे आरोप लगा रहा था। और तभी हम देखते हैं उनको सबको चुप कराता है अलाइजा और बोलता है एक एक करके बोलो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो। बट तभी हम देखते हैं उस चर्च के अंदर सीधा आ जाती हेली और बोलती तुम क्या कर रहे हो, ये तो नाइंसाफी है, हम वेयरवुल्फ्स के साथ अलाइजा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमें भी जगह चाहिए इस मीटिंग में, वेयरवुल्फ्स को भी सिटी में पावर चाहिए। और ये देखने के बाद सब लोग लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे से और वहां से चले जाते हैं। और ये सब के जाने के बाद हम देखते हैं अलाइजा गुस्सा आ रहा था और बोलता है हेली से तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगी इन सबको एक कमरे में बैठाने के लिए, मेरी पूरा दिन चला गया इस चीज पर। तभी हेली बोलने लगती है कि मैं वुल्फ की आवाज बन के यहाँ पर आई हूँ। और तभी अलाइजा बोलते तुम्हें वुल्फ के बीच में अभी होना ही नहीं चाहिए, तुम्हें अभी फ्रेंच क्वार्टर में सेफ होना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो। और ये कहने के बाद बोलते मैं वहां पर भी सेफ हूँ बायू में। और ये कहने के बाद अलाइजा साफ मना करता है और बोलते तुम्हें वापस फ्रेंच क्वार्टर आ जाना चाहिए। बट हम देखते हैं वो बोलती है कि मुझे वॉइस बनना है मेरे वेयरवुल्फ कम्युनिटी की, और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। अब फिर हम कैमी को देखते हैं जो जेनेवीव के साथ पाती है क्लाउस को, और देखने के बाद बोलती है वाह इस साइको विच के साथ हो तुम। और ये कहने के बाद हम देखते हैं जेनेवीव आगे बढ़ती है और बोलती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और ये कहने के बाद वो सीधा क्लाउस से बात करती है और बोलती है हाफ नेकेड साइको विच के साथ तुम थे और हमको बुरा बना रहे थे तब से। और ये कहने के बाद जेनेवीव बोलती है पहले तो मैं बिल्कुल थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैमी को गुस्सा आता है, बोलती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो अगर तुमने पहले सब कुछ कर लिया है तो, जस्ट गेट लॉस्ट, मुझे क्लाउस से बात करनी है,
हम देखते हैं जेनवी बोलती है तो भाई फैमिली को प्रॉब्लम क्या है विचेस से, और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और क्लाउस से बोलती है कि हैक्स बढ़ता ही जा रहा है और शायद अंकल का कोई इलाज करना ही पड़ेगा क्योंकि दवाइयां काम नहीं कर रही है और अब दिन में ड्रिंक भी करने लगे, उनकी हालत खराब हो रही है। और ये कहने के बाद क्लाउस चुप हो जाता है और बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हैक्स पहले मैजिक होता है और बाद में दिमागी तौर की बीमारी सा बन जाता है, उसको सही नहीं किया जा सकता। और ये कहने के बाद उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलती है अगर ऐसा है तो मैं कुछ करना ट्राई करूंगी, बट थिंग इज क्लाउस अगर तुम्हें फैमिली का मतलब पता होता तो शायद तुम हेल्प करते। और ये कहने के बाद गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब फिर वही हम अगले सीन में देखते हैं डवीना को जो मैजिक करने का ट्राई कर रही है और वो उससे हो नहीं पा रहा है और बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रही है। वहीं पर हम देखते हैं साइड में मोनिक आराम से कर पा रही थी और उसको कोई सपोर्ट भी कर रहा है, तभी हम देखते हैं उनकी जो टीचर थी वो बोलती है तुम भी कर सकती हो, क्या प्रॉब्लम है। और ये कहने के बाद मोनिक बोलती है शायद इसे मैजिक नहीं हो रहा है, ऊपर से हार्वेस्ट गर्ल होने का कोई फायदा नहीं हुआ इसको, इसको मैजिक इंप्रूव ही नहीं हुआ। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। हम देखते हैं बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही थी डवीना को, उसको सिंपल मैजिक नहीं हो रहे हैं। अब फिर हम अगले सीन में डवीना को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है और वो जोशवा को ढूंढती है और उसके पास जाके बैठ जाती है। जोशवा उसे देख के बहुत ज्यादा खुश था। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं जोशवा से बात करने लगती है और बताती है कि मोनिक नहीं समझ पा रही है कि एंसेस्टर्स मुझ पे कितना गुस्सा थे और उन्होंने मुझे कितना डांटा वो गलत काम करने के लिए, जहां पर मैंने मार्सल का साथ दिया था, काश कि मैं अपनी गलती बदल पाती और मार्सल का साथ ना देती। और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाती है और वहां हम देखते हैं मार्सल दूर खड़ा है सब सुनने लग रहा था और मार्सल के पास टियारी आ जाता है और टियारी बोलते हैं मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर, और तभी मार्सल बोलते हैं मेरे पास एक प्लान है वापस टाउन को हासिल करने का, हमारा टाउन हमारे पास ही रहेगा। और ये कहने के बाद टियारी बोलते हैं तुम पागल हो गए हो, तुम अगर फ्रेंच क्वार्टर के पास भी जाओगे तो मारे जाओगे और तुम क्या सोचते हो टाउन तुम्हें ऐसे मिल जाएगा और तुम्हारे साथ कोई खड़ा भी नहीं है इस मोमेंट पे, तुम आर्मी क्या बनाओगे। और ये कहने के बाद मार्सल बोलता है आर्मी तो अपने आप बन जाएगी, जैसे एक दूसरे को अलाय ये ढूंढ रहे हैं इनको ढूंढने दो, मैं अपना टाउन वापस लेके रहूंगा और हम मिलके वापस रूल कर सकते हैं। बट टियारी बोलता है इस बार स्पीच नहीं चलेगी मार्सल और शायद इस बार नहीं हो पाएगा, और ये कहने पर उसको अकेला छोड़ के चला जाता है। तभी फिर हम अलाइजा को देखते हैं जो अकेला बार में बैठ के ड्रिंक कर रहा था और उसके पास एक लड़की आती है और बोलती है कि मेरे यहीं पर कसिनो है, और तभी अलाइजा बोलता है हाँ मैं जानता हूँ और तुम भी एक तरह से एलाई हो, और ये कहने पर बोलती हाँ मुझे पता है तुम्हारे बारे में और मेरी फैमिली जनरेशन जानती है, मैं ऐसा चाहती हूँ फादर के बदले जब वो मर जाए तो मैं उसकी जगह ले लूँ तो बेटर है, डोंट वरी मैं आप सबको ही फेवर करूंगी। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं अलाइजा सारी बातें सुनता है और कोई रिएक्ट नहीं करता, और तभी हम देखते हैं वहां से चली जाती है और हम देखते हैं अलाइजा के दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा था। फिर हम कैमी को देखते हैं जो चर्च पहुंचती है और देखते हैं उसका फादर जो अंकल है वो अपने आप को बांधने लग रहा था, और कैमी देखते हैं और बोलती है ये क्या कर रहे हो, और वो बोलता है मैं आक्रामक हो सकता हूं इसलिए पहले अपने आप को बांध के रखता हूं और मेरा मानसिक संतुलन घूम रहा है, अब मैं शायद कभी सही ना हो पाऊं और तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, मुझे लगता है मेरे बाद वो तुझे लीडर बनाएंगे उस कम्युनिटी में ह्यूमन को लीड करने वाला, और मैं नहीं चाहता तू उनके आसपास भी घूमे। और ये कहने के बाद कैमी बोलती है मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ जब तक आप सही नहीं हो जाते हो, और बहस करने लगती है, और तभी हम देखते हैं उस हैक्स का असर होता है और फादर उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता मोटी बुद्धि की तुझमें कभी अकल नहीं आई है क्या, जो मैं कह दूं वो कभी नहीं माना, बचपन से नहीं माना, और फिर उस पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कैमी किसी तरह अपने आप को बचाती है और उसके सर पे चोट लग जाती है इस फादर के, और हम देखते हैं कैमी डर चुकी थी और दूर भागने की कोशिश करती है और फादर इस टाइम पे बंधा हुआ था। अब फिर हम देखते हैं अलाइजा घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद देखते हैं उसका भाई पेंटिंग कर रहा है और बिल्कुल रिलैक्स है, और तभी हम देखते हैं अलाइजा पहले ही इरिटेटेड था, और तभी क्लाउस बोलता है उसे डोंट वरी भाई तुझे जो चाहिए मैं हेल्प कर दूंगा, मुझे पता है सिटी को संभालना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, ऊपर से बहुत सारे वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स को लेके बैठना तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, वही करेंगे जो हम हमेशा नॉर्मली करते थे, याद है अपना टाइम हमको कुछ भी करवाना होता था बहुत सारी दारू बहुत सारी लड़कियां बड़ी सी एक ऑर्गेनाइज करना कुछ चीज और सब सही हो जाएगा। और ये कहने को अलाइजा बोलता है तुम पार्टी की बात कर रहे हो क्या, और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों प्लान करते एक बड़ी सी पार्टी देने के लिए। फिर हम देखते हैं जैसे वहां डवीना जा चुकी थी मार्सल सीधा मिलने जाता है जोशवा से, और जोशवा बोलता मुझे पता है तुम मुझे जान से मारने आए हो, बट तभी मार्सल बोलता है ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें मारने नहीं आया हूं, बल्कि मैं जानना चाहता हूं डवीना के बारे में जो उसके लोग उसके खिलाफ जा रहे हैं उसके बारे में मैं पता करना चाहता हूं कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, वो प्लीज उसे उसके लोगों से भी प्रोटेक्ट करके रखना है। और ये कहने के बाद जोशवा बोलता है तुम खुद उससे जाके क्यों नहीं पूछ लेते हो, और ये कहने के बाद मार्सल बोलता है कि वो मेरी बात नहीं सुनेगी और उसको उल्टा ही मतलब निकालेगी, तो मैं चाहता हूं कि तुम जाके पूछो,
और तभी हम देखते हैं कि वो जोशुआ को एक तरह का मैसेंजर बनाता है जिससे कि मोटिवेट कर सके हम डवीना को वापस मैजिक करने के लिए। तभी हम देखते हैं पार्टी शुरू हो चुकी थी और सब लोग वहां पर जुड़ चुके थे। हम देखते हैं पार्टी उस फ्रेंच क्वार्टर के अंदर हो रखी है जहां पर वैम्पायर विचेस और वेयरवुल्फ को भी बुलाया है। तभी हम देखते हैं वेयरवुल्फ थोड़ा अलग फील करते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको इनवाइट किया गया था हेली के द्वारा, बट हम देखते हैं हेली भी वहां पर आ जाती है और वहां पर वो ह्यूमन बार बार एलाइजा पे हिट कर रही थी, बट एलाइजा उसको लगभग इग्नोर करने लग रहा है। और वहीं पर हम देखते हैं ओलिवर का पूरा ध्यान डवीना के ऊपर है और हम देखते हैं वैम्पायर्स को देख के ओलिवर यहां वहां देखने लगता है जो एक वेयरवुल्फ था। तभी हम देखते हैं डिएगो जो एक वैम्पायर है वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है किसी के साथ भी, और तभी उसके पास एलाइजा जाता है और बोलते हैं तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो और इतने गुस्से में क्यों हो, और ये कहने के बाद बताता है कि इन वेयरवुल्फ ने मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था, मेरी बहन को मेरी आंखों के आगे मार डाला था और मैं भी लगभग मर ही जाता अगर मार्शल मेरी जान नहीं बचाता। तो अगर तुम सोचते एलाइजा मैं अच्छे से बिहेव करूंगा इनके साथ तो तुम भूल जाओ, और ये कहने के बाद गुस्सा दिखाने लगता है। बट हम देखते हैं एलाइजा उसे शांत करता है और कहते हैं कि एक तरह की पीसफुल पार्टी है हम सब लोगों के लिए और डिएगो अपने गुस्से को कंट्रोल करो। अब फिर एलाइजा मिलने जाता है सीधा जैक्सन से, और मिलने के बाद हम देखते हैं जैक्सन बोलता है कि हेली ने बताया कि आज की मीटिंग तुम्हारे लिए बहुत मैटर करती है, और ये कहने के बाद एलाइजा बोलती है हाँ बहुत ज्यादा मैटर करती है, इतनी कि अगर किसी ने इसको खराब करने की कोशिश की तो मैं उसके पूरे 9% सबको उड़ा दूंगा जान से और उसका घर बर्बाद कर दूंगा। और ये कहने के बाद स्माइल करते हुए जाता है और बोलता है आई होप कि तुम पार्टी इंजॉय करो जैक्सन, और हम देखते हैं जैक्सन एकदम चुप हो जाता है। वहीं हम देखते हैं इस मोमेंट पे क्लाउस किसी को ढूंढने लग रहा है और तभी वहां पर आ जाती है जेनेईव, और जेनेईव आने के बाद बोलती है कि तुम किसको ढूंढ रहे हो, और ये कहने के बाद बोलता है किसी को नहीं, बट जेनेईव बोलती है शायद तुम कैमी को ढूंढ रहे हो, और बोलता है नहीं कैमी को नहीं ढूंढ रहा हूं, तुम्हें क्यों लगता है कैमी को ढूंढूंगा मैं, और ये कहने के बाद वो बताती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए उसका कुछ क्रश है और शायद तुम उसको अपनी एनर्जी टाइप फील करते हो, और तभी क्लाउस बोलता है सिर्फ वो दोस्त है और कुछ नहीं, और मेरे लिए सिर्फ तुम मैटर करती हो, और हम देखते हैं क्लाउस को एक हाल ही का प्यार हुआ था जेनेईव से। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं जैक्सन को जो ऊपर जाके वेट करता है रूम के अंदर क्योंकि उसे क्लाउस ने पर्सनली मिलने के लिए बुलाया था। तभी हम देखते हैं वहां पर क्लाउस आता है और क्लाउस को देखने के बाद जैक्सन बोलता है मुझे किस लिए बुलाया तूने पर्सनली मिलने के लिए, मुझे मारने के लिए, और मुझे तेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तेरे इस वैम्पायर हार्ट में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है कि वैम्पायर होने से पहले ये हार्ट एक वेयरवुल्फ का था, इसलिए मैं तुम्हें हेल्प करने आया हूँ, सपोर्ट करने आया हूँ, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है और शायद मैं तुम्हारी कुछ सपोर्ट कर सकूं। और ये कहने के बाद जैक्सन बोलता है मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए, मुझे पता है तू मुझे हाइब्रिड बनाएगा और मुझे मेरे पैक को एक तरह से लीड करना है, एक ब्लड थर्स्टी हाइब्रिड नहीं बनना है, और ये कहने के बाद साफ मना कर देता है। और क्लाउस से सुनने के बाद बोलता है यही लॉयल्टी की वजह से मैंने तुझे अब तक नहीं मारा है क्योंकि तुम लॉयल हो, मैं चाहता हूं कि मैं ये टाउन तुम्हें वापस दिलवा दूं जो तुम्हारे पास अभी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं। तभी हम देखते हैं जैक्सन बोलता है हम तुझ पर बिलीव क्यों करें कि तू हमको हेल्प करेगा, और अब तुझे याद आई इतने सालों बाद अपनी अदर साइड फैमिली की जो वेयरवुल्फ है, और ये कहने के बाद बोलता है मुझे टाइम ही नहीं मिला और अब मुझे मिला है तो मैं हेल्प जरूर करना चाहता हूँ, ये लॉयल्टी इन चीजों की जो वेयरवुल्फ के अंदर होती है, एक फैमिली गैदरिंग जो मैं मेरे फ्यूचर में होने वाले बच्चे के लिए चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हो आगे बढ़ता है, एक डिब्बा खोलता है और वहां से एक रिंग निकालता है और बोलता है ये मेरे डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ माई फादर से बिलोंग करने वाली रिंग है, उनकी फैमिली से, और मुझे पता चला मेरी मॉम बहुत ही पावरफुल एक विच थी तो उनने ये रिंग बनाई थी, जैसे वैम्पायर के लिए डेलाइट रिंग होती है उसी तरह वुल्फ के लिए ये मूनलाइट रिंग है। तभी क्लाउस अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन करने लगता है और बोलता है शायद ये मेरी मॉम ने बना के दी होगी मेरे फादर को जो एक वेयरवुल्फ थे, उनको फुल मून वाली रात से बचाने के लिए जब उनकी हड्डियां टूटती होंगी, और उसी के डिसेंडेंट के पास मुझे मिली थी जो मेरी फैमिली से बिलोंग करता है, और तभी मुझको ये आइडिया आया है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं जैक्सन उसकी बात पे थोड़ा एग्री करने लगता है। फिर हम ओलिवर को देखते हैं जो डवीना को अप्रोच करता है, बट हम देखते हैं डवीना किसी भी मूड में नहीं थी, और वहीं पर हम देखते हैं मोनिक आ जाती है और कहती है इसका नाम मोनिक है और अपना नाम डवीना का नाम बताती है, और तभी हम देखते हैं डवीना वहां से गुस्सा होकर चली जाती है और ओलिवर कंफ्यूज था ऐसा क्यों हुआ। वहीं पर हम देखते हैं अब एलाइजा डांस करने के लिए पूछता है हेली से और हम देखते हैं वो दोनों साथ में डांस करने लग जाते हैं। अब फिर डांस करते करते हम देखते हैं वो क्लाउस के बारे में बात करते हैं कि क्लाउस का नेचर कैसा है, वो पेन को एक तरह से कैसे कंट्रोल कर रहा है, और तभी ये सब बात करने के बाद एलाइजा बोलता है काश कि उसके फादर की क्वालिटीज कम आए और उसकी मदर की क्वालिटीज ज्यादा है उसकी लड़की में तो ज्यादा अच्छा होगा, और ये सुनने के बाद हेली खुश हो जाती है और डांस करते हुए बोलती है कि पार्टी अच्छी लगी, और ये कहने को एलाइजा बोलता है हाँ पार्टी में तो मजा आ रहा है पर तुम्हें लगता कुछ एक्स्ट्रा हो गया, और ये कहने के बाद हेली बोलती है हाँ
बिग बैड वेरवुल्फ जो आ चुके हैं यहाँ पर, इस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, बट ये टाउन में अपना हिस्सा भी चाहेंगे कुछ टाइम बाद, तो शायद तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो। और ये कहने के बाद गुस्सा हो जाती है, और वहीं हम देखते हैं जैसे ही जैक्सन आता है उसके साथ डांस करने के लिए चली जाती है, और हम देखते हैं वो छोड़ देती है अलाइजा को अकेला। और ये देखने को जैक्सन बोलते कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और ये कहने को बोलती है वो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हेली कहती है कि टाउन का फ्यूचर तय कर रहे थे और कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं जैक्सन के साथ डांस करने लगती है, और जैक्सन उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर रहा था कि कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है आज। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं डिएगो के साइड से जाके निकलता है ओलिवर, और वहां पर जाके ड्रिंक करने लगता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि ओलिवर को डिएगो बोलते हैं तुम बाउल में पीते हो, ग्लास क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि तुम तो वुल्फ हो ना। और तभी हम देखते हैं डिएगो बुरा नहीं मानता, और वो ह्यूमन अलाय एक तरह से दोनों को शांत करने की कोशिश करती है, बट हम देखते हैं ओलिवर बोलते हैं तुम जैसे शक्ल वाले लोगों से तो हम ज्यादा ही अच्छे हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं थोड़ी बहुत और बहस होती है, और उनकी लड़ाई हो जाती है, और हम देखते हैं वो एक दूसरे को मारने लगते हैं, और वहां पर आ जाता है उनको बचाने के लाइजा, और ओलिवर की गर्दन पकड़ लेता है और बोलते हैं शांत हो जा, अब यहीं पर लड़ाई खत्म है। और तभी हम देखते हैं डिएगो की गर्दन पे रख देता है टेक जैक्सन, और बोलता है हाँ यहाँ पर ये भी खत्म हो जाएगा अगर ओलिवर को कुछ हुआ तो। और जैसे वो दोनों लड़ने लग जाते हैं हम देखते हैं वहां से आती हेली और बोलती है हाँ एक दूसरे को मार दो, खत्म करो इस किस्से को ही खत्म करो, और तुम इसी के लिए यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए हो। और ये सब सुनने के बाद वो एलाई देखती है और बोलती है साइड में खड़े क्लाउस से कि तुम कुछ नहीं कहोगे यहाँ पर लड़ाई हो रही है, और तुम लड़ाई नहीं छुड़वाओगे। और तभी क्लाउस बोलता है मैं क्यों छुड़वाऊं, इतना एंटरटेनिंग तो है, इससे ज्यादा बेटर क्या हो सकता है। और तभी हम देखते हैं दूर खड़ा क्लाउस ये सब एंटरटेनमेंट के पर्पज में देख रहा था। तभी हेली बोलती है कुछ टाइम पहले वेयरवुल्फ पे अटैक हुआ, उससे पहले उन पे कर्ज किया विचेस ने, वैम्पायर उन पे अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब तो हर किसी को मर जाने चाहिए यहाँ पर जो खड़े हैं। बट ये मेरा पॉइंट नहीं है, मेरा पॉइंट है हमको एक बड़ी फैमिली की तरह काम करना चाहिए, अपने ग्रुप्स बना लेने चाहिए, और यहाँ पर अब लड़ाई का कोई मतलब नहीं रहता है, और आप अपने ग्रुप्स बनाओ और ग्रुप्स में रहो वो ज्यादा बेटर है, और यहाँ पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और ये कहने के बाद उन्हें सम्स को समझाती है। अब फिर हम कैमी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी और अपने घर पे थी, हम देखते हैं ड्रिंक करने लगती है, और वहां पर आ जाता है मार्सेल, और मार्सेल को देख के थोड़ी डरती है, बट तभी मार्सेल बोलता है डरो मत, मैं अभी एडिक्ट से ही आया हूँ और चर्च पे मैंने बाउंडिंग स्पेल कर दिया है, और डोंट वरी तुम्हारे जो अंकल है तुम्हें हार्म नहीं कर पाएंगे फिर से। और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं अब तुम्हें विच मिल गई जो तुम्हारी हेल्प कर सकती है, और बोलता है हाँ कुछ कुछ काम तो कर ही सकती है, ऐसी विच मिल चुकी है और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैमी इमोशनल हो जाती है और बोलती है मेरी कोई फैमिली नहीं है अगर अंकल को कुछ हो गया तो। और ये कहने के बाद मार्सेल बोलता है मेरी भी कोई फैमिली नहीं होगी, इस वजह से वैसे भी कम होते जा रहे हैं लोग मेरी फैमिली के, इसलिए हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अब फिर हम देखते हैं जोशुआ के साथ इस टाइम पे थी डबीना, और बहुत ज्यादा सैड फील कर रही है, और तभी हम देखते हैं जोशुआ अपनी स्टोरी बताता है कि उसका जो फर्स्ट बॉयफ्रेंड था एंड द ओनली बॉयफ्रेंड उसे फ्लावर दे गया था, उसको फ्लावर फेंकना पड़ा क्योंकि उसकी फैमिली को नहीं पता चलना चाहिए था, बट एट लास्ट उन्हें पता चल गया और वो उसे हेट करते थे, और फिर भी आज वो जाना चाहता भी है फिर जाना नहीं चाहेगा क्योंकि उसकी फैमिली उसे अंडरस्टैंड नहीं करती है, उसे पता है उसकी कोई जगह नहीं है उस घर के अंदर। और ये सुनने के बाद डबीना को बुरा फील होता है, और तभी हम देखते हैं जोशो बोलते हैं तुम्हारे पास एक फैमिली तो है, सो कॉल्ड फैमिली है बट है, जिसमें मार्सेल भी आता है, मानता हूं उसने तुम्हें यूज किया तुम्हें लगता है, बट मेरे हिसाब से उन लोगों से बचाया जो तुम्हें मारना चाहते थे, और तुम्हारी जान भी तो बचाई थी, और मेरे हिसाब से मार्सेल गलत नहीं है, और तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए फिर से जादू करने का, बुरा फील मत करो। और तभी हम देखते हैं फ्लावर पे ट्राई करने लगती है, और हम देखते हैं इस बार फुल कॉन्फिडेंस के साथ करने पे वो फ्लावर को ब्लूम कर देती है और फूल खिल जाता है, और ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वही हम देखते हैं कि कैमी बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है मार्सेल के साथ, और ड्रिंक करते करते इमोशनल हो जाती है और बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा अकेली हूँ, और वहीं पर हम देखते हैं मार्सेल रोमांटिक होने लगता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कैमी बोलती है ये शायद फिर से हम ना कर पाए कभी, और ये कहने के बाद मार्सेल बोलता है शायद ट्राई भी कर सकते हैं, और तभी हम देखते हैं मार्सेल वहां से जाने लगता है और उसे एक चीज दिखाई देती है, और उस मोमेंट पे हमको पता चलता है कि जितनी भी ये चीजें साथ में कर रहे थे उसको कोई और नहीं जेनेवी देखने लग रही थी अपने स्पेल से। और तभी हम देखते हैं कि अब मार्सेल को लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो उस चीज को बाहर लेके जाता है अपने साथ और बाय कहता है, और हम देखते हैं बाहर जाने के बाद उसे तोड़ता है और उसे मिलता है टैरी। टैरी को बोलता है मुझे लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में भी तो जीरो से स्टार्ट किया था, मानता हूं जितने वैम्पायर हमारे साथ निकले थे वो सारे भाग चुके हैं टाउन छोड़कर, बट हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे टैरी, और अगर तुझे साथ देना है तो तू दे सकता है, क्योंकि मैंने वही बिल्ड करना है जो मैंने पहले किया था, और मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। और ये कहने के बाद बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली मोटिवेटेड दिखाई देता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं सिटी की पेंटिंग बनाने लग रहा था क्लाउस, और अपनी पेंटिंग के साथ साथ वो बहुत सेटिस्फाइड भी दिखाई दे रहा था।
अब फिर वही हम देखते हैं कि पूरी डील रेडी हो चुकी थी सब कम्युनिटीज के बीच में, और वहां पर हेली का जितना भी वेयरवुल्फ वाला ग्रुप था हेली से बहुत ही ज्यादा खुश था और सब चीयर्स वो हेली कह रहा था। वही हम देखते हैं वो सब होने के बाद जहां पर पार्टी हो रही थी वहां पर हम देखते हैं ओलिवर के पास आता है जैक्सन और अपना प्लान बताता है जो क्लाउस के साथ है कि अगर वो प्लान कामयाब हुआ तो इसके बाद हम जब चाहे टर्न कर सकते हैं और फुल मून पे हमको टर्न करना नहीं पड़ेगा और हम 24/7 लीथल रहेंगे, खतरनाक रहेंगे वैम्पायर्स के लिए, अगर हमने उन्हें काट लिया तो मर जाएंगे। और ऊपर से जिन इंसानों ने हमें हंट किया, जिन विचेस ने हम पे कर्स किया और जिन वैम्पायर्स ने हमें हेट किया, हम तीनों से बदला ले सकते हैं। और ये देखने के बाद ओलिवर उस प्लान में शामिल हो चुका था। वहीं हम अगले सीन में डबीना को देखते हैं जो एक फ्लावर को एक तरह से ब्लूम कर रही थी अपने मैजिक से, और वहीं पर मोनिका आके देखती है और एकदम जेलसी से आग से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और देखती है कि डबीना ने अपने मैजिक से जितने भी पुराने फूल थे सबको ब्लॉसम कर दिया था और उस रूम में इतने सारे फ्लावर थे, और ये देख के मोनिका को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। और अगले ही सीन में हम देखते हैं सब लोग अपना पेपर पे साइन करने लगते हैं और हम देखते हैं कि ह्यूमंस, वैम्पायर्स, विचेस एंड वेयरवुल्फ सब अपनी ओथ लेते हैं कि वो कम्युनिटी में साथ रहेंगे और रूल्स को फॉलो करेंगे। और ये सब करने के बाद हम देखते हैं लास्ट में क्लाउस को साइन करना था, जहां पर वो पहले मना करता है बट एलाइजा के कहने पे हम देखते हैं साइन तो कर देता है, और हम देखते हैं उसने अपने पेंटिंग में बड़ा सा फुल मून बना दिया था। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करो, मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा एपिसोड लाता रहूंगा। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा। We'll be right back.